काबिल एहतराम वाइस चांसलर्स इसम इस कॉम के और के पी के हमारे इंतहाई होनहार तलबातलब और आपके इंतहाई काबिलाम वालदान वफाकी वज्रा एडवाइज़र्स स्पेशस्टेंट्साई वज़रा ख़ातिन वजरात अलकुम आज मेरे लिए ये बहुत एक खुशी का और बड़ा इतमान का दिन है कि आज पेशावर में और ये सूबा हमारे दलेर और बहुत बहादुर जवानों और बुज़ुर्गों का सूबा है ये सूबा रहमान बाबा की धरती है ये खुशहाल ख़ान की धरती है और इस सूबे ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी से बचाने के लिए जो तारीख़ी किरदार अदा किया और अपने खून और लहू से जो इस सूबे के बुज़ुर्गों ने माँ ने बेटियों ने जवानों ने बच्चों ने डॉक्टर्स ने सियासतदानों ने इंजीनियर्स ने मज़दूरों ने जो क़ुरबानियाँ दी हैं उसके बगैर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लानत ख़त्म इसलिए मैं आपके सामने इस सूबे के गजूर आवाम और कौम की माँ और बेटियों के सामने खड़ा हूँ तो मैं आपको आज इस शानदार तकरीब के हवाले से और उन माओ के बेटों और बेटियों को जिन्होंने अपनी मेहनत से शबाना रोज़ मेहनत से चाहे वो रात को लाल के नीचे पड़ी हो या कमरे में जो बिजली का बल्ब है उसकी रोशनी में पड़े हों जिन्होंने आज इस सूबे का नाम रोशन किया है अपने वालदे का अपने का, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यह कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत यह लैपटॉप की स्कीम जो यहां पर आज यहां पर जिसका इजरा किया गया है ये एक लाख लैपटॉप्स हैं, एक लाख और एक लाख लैपटॉप्स पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर किए जा रहे हैं कोई सिफारिश कोई बरादरी, कोई नेपोटिज्म दूर दूर तक उसका साया तक नहीं है। और यही नवाज शरीफ की पॉलिसी है यही मेरी पॉलिसी और यही इस हुकूमत की पॉलिसी है कि हम इन इस कौम के बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप देंगे और लैपटॉप ने कोविड के जमाने में जो तदरीस का और तलीम का सिलसिला रुक गया था इन्हीं लैपटॉप ने जो लाखों हमने पंजाब में तकसीम किए थे इन्हीं लैपटॉप ने दोबारा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के साथ वो तदरीस का सिलसिला जारी रखा वही लैपटॉप जो पंजाब में तकसीम किए गए और पूरे पाकिस्तान में भी मैं कोटा दिया करता था बतौर सूबे के खाद में आला के उन लैपटॉप्स ने उन लाखों बच्चों को जिंदगी में बहुत बाकमाल तरीके से और बहुत एहतराम के साथ उनको जॉब्स मिले और उन्होंने फ्री लांसर्स के तौर पर दुनिया में पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथी और कौम के बेटों और बेटियों मैं आपको आज ये कहने आया हूँ कि मेरा अगर बस चलता तो एक लाख लैपटॉप लैप नहीं आपको दस लाख लैपटॉप पाकिस्तान के हर बच्चे और बच्चियों को हर बच्चे और बच्ची को लैपटॉप मिलता और इस तरह पाकिस्तान के अंदर क्लाशन कॉफ़ का जो कल्चर है वो खत्म होता पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी उसका खात्मा होता लेकिन इस साल जो गुजरा है इंतहाई मुश्किल थी बहुत मुश्किल थी चैलेंजेस थे हमारी माश जो कि आई एम एफ की वजह से हमें दोबारा आई एम एफ के पास जाना पड़ा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आईएमएफ को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया मजबूरी कबूल किया है लेकिन मैं आपसे आज पिशावर के अजीम बुजुर्गों भाइयों और बहनों मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर हमने मिलकर सब ने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो खुदा की कसर और पाकिस्तान अपने पाओ पे खड़ा होगा पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा गुर्बत का खात्मा होगा खुशहाली होगी अभी कल मैंने ज़रात के ऊपर जो सिम्पोज़ियम किया इस्लामाबाद के सेंटर में वो खुदा के फसल करम से ज़रात पाकिस्तान की मीशत को बदल के रख देगी और अगर हमने कर्ज़ों से जान छोड़ानी है अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा आपके सूबे में रब तला ने बड़ी मादनियात अदा की हैं आपके पास पशावर और मुलका इलाकों में बड़ी ज़रखेज़ ज़मीने हैं पाकिस्तान के अंदर सिंध में पंजाब में के पी में क्या कुछ अल्लाह तला ने हमें नहीं दिया अगर हमें कोई कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कमी है डेट इज़ विल टू डू के फिर उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है अगर ये जज्बा हम आ जाए तो फिर कोई पहाड़ कोई समंदर हमारी मुश्किल नहीं रहेगी हमने अभी आज सऊदी अरेबिया से हमें दो अरब डॉलर हमें बिना मैं इस मौके को गरिमत जानकर मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरबिया का उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सऊदी अरबिया के हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का जनाब सलमान बिन अजीज साहब का इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया आज दो अरब डॉलर हमारे खजाने में सऊदी अरब से आ चुका है इसके लिए मैं हिसकदार साहब को भी और हमारे सिपा सलार جناب जनरल आसिफ मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की मगर मेरे बुजुर्गों भाइयों और मेरी बहनों सुन लो मेरी बात यह पाकिस्तान के अंदर जीने का कोई तरीका नहीं है मैं आपको आज यह बताने आया हूं कि कायदे आजम की अजीम लीडरशिप में आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी खून के दरिया आपके बुजुर्गों ने अबूर किए पाकिस्तान बनाया और के पी में जब यहाँ पर रिफ्रेंडम हुआ तो आपने पाकिस्तान का साथ दिया आपने कायद आजम का साथ दिया मगर वो लाखों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जादों को नजराना पेश किया आज कब्रों में उनकी रूहें तड़प रही हैं और वो ये पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिनके लिए हमने अपनी जानों का दाना पेश किया ये वो पाकिस्तान नहीं जिसकी खातर हमने अपने बच्चों को यतीम किया और हम इस दुनिया से कूच कर गए ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने हिंदुस्तान से हजरत की मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों ये वो लमह फिक, फिक्रिया है ये लमह फ़क्रिया नहीं है ये लमह फ़िक्रिया है कि हमें अपने आज गरीबानों में झांकना होगा अशराफिया को मुझ समेत बड़े बड़े लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपना नमतों से नवाजा है हम सबको आज अपने अंदर झांकना होगा और इस कौम का अगर हमने मुस्तबिल संवारना है तो फिर ये लमा है ये लबा आ चुका है आज पाकिस्तान की हुकूमत और तमाम इदारे और तमाम सूबे मिलकर जरात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात और हमारी एक्सपोर्ट इसके लिए हमने एक बड़ा जामे मंसूबा बनाया है कल मैंने अपनी तकी में कहा कि पहत्तर साल बड़े बड़े मंसूबे बने कागजी मंसूबे, उसके ऊपर बड़े बड़े, बड़े लेक्चर हुए सेमिनार्स हुए लेकिन अमल कितना हुआ आज अगर हमारा हमसाया हमसे आज आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है वो वक्त याद कीजिए मैं आपको नब्बे की दिहाई बताता हूं जब पाकिस्तान का रुपया हिंदुस्तान के रुपए से ज्यादा उसकी कीमत थी जब पाकिस्तान के अंदर कॉटन की एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से ज्यादा थी हमारी टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट ज्यादा थी तो फिर क्या हो गया किसकी नजर लग गई इस मुल्क को किसकी नजर लग गई इस पाकिस्तान को आज मैं समझता हूं कि हमें माजी में जाकर सबक सीखना है रोने धोने से कोई बात नहीं बनेगी रोने धोने से कभी कॉमें नहीं बनी रोने धोने से कभी गुर्बत खत्म नहीं हुई रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए मुल्क अगर खुशहाल हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मेहनत और मसलसल जदोजहद की बना पर आज हमें इस सबक को आगे लेके जाना कायद आजम का और हजरत इलामा इकबाल का हमें उसके फर को उसके ख्वाब की तबीर करनी है सिर्फ मेहनत और दयानत से मैं आज बाहर जाता हूँ या हमारे दूसरे जो मां बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने क्या ये जिंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों भाइयों और बहनों आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा ना खासा कशकोर लेके फिरना है इसलिए आज इस अजीम इज्त में मैं अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ये कौम के दर्शकंदा सितारे हैं आप हमारा मुस्तबिल हैं मेरा खुदा की कसम यकीन है कि इन शाह आप पढ़ लिख कर लैपटॉप जदीद टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान की किस्मत संवारेंगे हमने जवाजरात के अंदर हमने इनकलाब ले के आया है हमने मुल्क की जो सनते हैं उनके अंदर इनकलाब ले के आया है महंगाई का खात्मा करना है ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं फाज आसानी से अदा होते हैं अमल बड़ा मुश्किल से होता है लेकिन मेरा ईमान है कि अमल से ज़िंदगी बनती है ना ये नूरी है ना नारी है हमें नूरी नारी को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ और सिर्फ अमल की तरफ आगे बढ़ना होगा तो मेरा यकीन है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान न सिर्फ ख़त्े में बल्कि दुनिया में एक बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक अजीम मुल्क बन जाएगा ये लैपटॉप का सिलसिला मैंने नवाज शरीफ की क्यादत में पंजाब में शुरू किया था और लाखों लैपटॉप हमने तकसीम किए थे अब एक लाख लैपटॉप इन तमाम तर मुश्किल के बावजूद हम तकसीम कर रहे हैं और अगला बजट जो कि अब शुरू हो चुका है उसमें भी एक और लैप लाख लैपटॉप हम तकसीम करेंगे पंजाब में सिंध में बलोचिस्तान में के पी में आजाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में एक लैपटॉप सफारिश पर नहीं जाएगा ये मेरा एक अल्लाह ताला के फसल कर्म से आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसके ऊपर अमल होगा चाहे कोई बादशाह हो कोई बहुत बड़ा जज हो या कोई और अफसर हो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर लैपटॉप दिए जाएंगे और मैं यहाँ पर यह भी ऐलान करना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया इंतबात में तो फिर इन हर साल सूबे की तादाद के मुताबिक एक लाख लैपटॉप सबसे बड़े सूबे से शुरू करेंगे और उसी तरह आबादी के तनासब से हम चारों सूबों को लैपटॉप तकसीम करेंगे हर साल जो कि तीन चार लाख लैपटॉप बनेंगे इन शह उससे आपकी ज़िंदियाँ बदलेंगी आप ज़रात को बदल देंगे आप सनत को बदल देंगे और दुनिया में देखिए जापान कहाँ खड़ा आज देखिए जर्मनी कहाँ खड़ा आज जंगे दो में ये दोनों ममालिक तबाह हो गए बर्बाद हो गए लाखों लोग लुकमा अजल बन गए मगर साठ सालों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने दोबारा आसमानों में सितारों में कमन डाली यह कोई जादू नहीं था यह कोई फूक फाक नहीं थी सिर्फ और सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत थी यही कायद आजम ने हमें सिखाया यही कुरान करीम हमें दर्श देता है यही नबी करीम अलैहि वसल्लम का उसमें उस हुस्ना उनका पैगाम उनकी हदीत से हमें यही पता चलता है कि मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकत डालते हैं मेरे बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों और कौम की बेटियों में आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस मुल्क का इसकी तकदीर बदल दें आए मिलकर दिन रात मेहनत करें तालीम के इदारे जो हैं बेहतरीन अब देखिए यहाँ पर वाइस चांसलर्स बैठे हैं इस बैठे हैं ये यूनिवर्सिटी की बात मैं भी करता हूँ रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ठप पड़ा है हर तरफ मैं आपको बता रहा हूँ और खाली रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है कारोबार हुकूमत पिछले कई दिहाइयों से वो बदतरीज उसमें इनतात का शिकार है वो वहाँ पर अफसरान सियासतदान एक्सपर्ट्स दूसरे लोग उस दिल जमी से काम नहीं करते जिससे कौम बंदी है उसकी कई वजूहत हैं मैं उस पर इस वक्त नहीं जाना चाहता सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिलकर इन देखेंगे कि अगर हमने वक्त जाया होना बंद कर दिया और नौ मई जैसे वाकत का दोबारा हमने कभी जिंदगी में क्यामत तक दोबारा उस तरफ रुख ना किया और अपने आप को तैयार कर लें कि हमने गुरबत बेरोजगारी और बेमारी का खात्मा करना है यहां पर मुझे अभी ये बेटा मिला बुनैर का और उसने जवान बच्चा और कितनी मेहनत से पड़ा उसका वाले वाले साहब मजदूरी करते हैं अंदाजा करें मजदूरी करते हैं और आज उसने ए लिए हैं और उसने कहा कि वजी की सीट पर भी मेरिट पर बंदा होना चाहिए मैं इसके साथ न सिर्फ पूरा इतफाक करता हूं बल्कि आप सब मेरे साथ इसके लिए तालियां बजाएं भरपूर कि मेरिट ही है मेरिट इस बरदरी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया सफारिश ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ों को बर्बाद कर दिया आज अगर कोई चीज़ हमें बता ब, बचा सकती है तो अल्लाह ताला के करम से मेहनत और मेरिट, मेहनत और मेरिट। अगर कोई गरीब का बच्चा है कोई टांगे बान का बेटा है कोई बेवा का बच्चा है या बेटी है अगर उसने आला तालीम हासिल करने के लिए मेहनत की है तो उसको उसको पूरा मकाम मिलना चाहिए वसाइल उनके कदमों में निछावर करने चाहिए यह है वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद आजम ने अजीम तहरीक चलाई थी और उन्नीस सौ चालीस में इकबाल पाक में एक करारदादा पास की थी कि हम हिंदुस्तान से अलहदा एक एक नया वतन लेंगे वो लोग लाखों लोग अपनी आंखों में वो खबाब बसाए पाकिस्तान आए कि हिंदू की गुलामी से निजात मिलेगी तो पाकिस्तान में अपने बच्चों और बाल बच्चों के लिए हम पेट पालने के लिए मेहनत करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा आज सिफारिश और करप्शन सिक्का वक्त है इसका खात्मा आपने करना है तालीम के रोशनी से करना है मेहनत से करना है और इला होगा मेरा ये ईमान है आखिर में मैं इस यूनिवर्सिटी की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दिल से दुआ है कि जल्द से जल्द अपने तकमील के मरल मुकम्मल करें लेकिन फाटा नाम जो है वह मुनासिब नहीं फाटा अब माजी की बात है आपने इसका नाम तजवीज़ करें मुझे अभी गवर्नर साहब रास्ते में कहने की बड़ी मेहरबानी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब फाटा नाम तो मुनासिब नहीं है तो आपका नाम रख दें कहा बिल्कुल नहीं मैं इस लाइक नहीं हूँ कहने का नहीं आपको मैंने कहा बिल्कुल नहीं मेरा नाम रखना आपसे पूछें कबायली बुजुर्गों से पूछें कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं और वह पाँच छः नाम मुझे दें इंशाल्लाह वो नाम चुनकर आपके मुशावर से हम आजाद कबाल चलिए ये भी एक नाम आ गया आजाद कबायल यूनिवर्सिटी ठीक है जी तो आपकी मुशावरत का एहतराम होगा और इन वही नाम मुशावर के साथ हम रखेंगे फाटा का नाम बदलना होगा आपको मंजूर है ना ये बात मंजूर है फाटा का नाम बदल के तो हम तो फिर क्या फाटा ही रखना है क्या कहते हैं और यार नहीं बस फाटा रखना फाटा ही बस मेहरबानी शुक्रिया मुझे पैगाम मिल गया आपका जी मैंने सुन लिया ढेरा मेहरबानी ढेरा मेहरबानी तो मैं आखिर में मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये ख़ास तौर पर अपनी कौम के अजीम बेटियों और बेटियों से मैं मुखातब हूँ और ये शेर आपकी नजर है जब अपना काफिला अजमों यकी से निकलेगा जब अपना काफिला अजमो यकी से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा जब अपना काफिला जब अपना काफिला अजमो यकी से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आजम